हजार रुपए प्रति माह की इनकम के साथ गांव जनेरा पोस्ट ऑफिस मजूपुर सुभाष चंद्र सारकर पुत्र श्री महेश चंद्र शर्मा जन्मतिथि 3 जुलाई सन 1987 कद 6 फुट बच्चा पीएसओ में कार्यरत है और इसकी मासिक आय अगर आप इस बच्चे से बात करना चाहते हैं तो टेबल संख्या के क्रम में बच्चे का नाम सौरभ भारद्वाज श्री एस डी भारद्वाज पिता का नाम आप मंच पर आ सकते हैं पिता या माता जो भी बच्चे के साथ गांव का नाम बावली बागपत उत्तर प्रदेश है अगर ये सुन एक करेक्शन है इसे नोट कर लें सभी लोग 1993 पत्रिका में छपी हुई है लिखा है तो मंच पर आ सकते हैं राहुल शर्मा पुत्र और गौतम है नाड़ी मध्य है कद 5 माह है बच्चा इस समय एमएनसी प्राइवेट लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है आप इसे 14 सितंबर सन 1994 माने सन 1983 समय मध्य रात्रि 12:51 पिता और माता का गोत्र कौशिक नाड़ी आते हैं कार्यरत है बच्चे की मासिक आय 35,075 रुपए है और बच्चा के 29/1 गली नंबर 26 वेस्ट गोंडा दिल्ली से है ये बच्चा तलाकशुदा है 12:51 मध्य रात्रि पिता और माता का गोत्र मांगलिक आंशिक है बच्चा एमएससी बीएड बच्चा है गेस्ट टीचर के पद ग्रामीण के सामने दो समस्या सबसे बड़ी होती है एक तो सर्विस की और दूसरी विभाग की वैवाहिक परिचय सम्मेलन हमारा ये आत्मा है इसमें वाई के शर्मा जी रेल के डब्बे खींचने वाले इंजन के समान है इतना अच्छा प्रयास ये करते हैं 8 वर्ष हो गए काफी प्रयास करते हैं और इसमें सफलता इन्होंने काफी प्राप्त की है तो मैं अध्यक्ष महोदय से एक निवेदन करूँगा इसी वाई के शर्मा का पट्टी पहना करके उत्साह बढ़ाए ताकि आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार से ये कार्य करता रहे आई हाल लगा कोई आई है जो कोई भाई साहब सवाल तो भाई साहब क्या बात है पगड़ी आने से वजन भी आ जाता है टेबल संख्या 1 से 10 लड़कियों के लिए है और 11 से 20 टेबल आगे हमने बॉयज के लिए अलॉट की है जो भी हमारे साथी इतना सा है कि थोड़ा सा जल्दी हम लोग अपनी बातचीत को वहां वाइंड अप माता जी का गोत्र जो है कात्यायन है बच्चा ले रहा है कॉलेज है गाजियाबाद में प्राइवेट वहां से बच्चा इस समय अपनी नौकरी कर रहा है पुत्र है वशिष्ठ माता जी का गोत्र है भारद्वाज कद 5 फुट 5 इंच नॉन मांगलिक है बच्ची रंग गोरा है एमए इंग्लिश से किया हुआ है और बीएड चल रहा है युवती बच्चे का नाम अंकित शर्मा पिता का नाम श्री अनिल कुमार शर्मा अगर बच्चे के परिवार के सदस्य हैं तो ओम ब्राह्मण महासभा की बात करें तो अपना 8वां ब्राह्मण वैवाहिक परिचय सम्मेलन भव्य तरीके से यहां जारी है हमारे बीच में आयोजककर्ता भी मौजूद है संस्थापक वाई के शर्मा जी भी मौजूद है वाई के शर्मा जी बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है आज बड़ा दिन है वैसे भी और बड़ा ही कार्यक्रम हो रहा है मुझे इतनी उम्मीद नहीं एक इतनी समय तक जो है इतने हमारे भाई बहन आ जाएंगे नए रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं इस बार जो है और पुराने रजिस्ट्रेशन जो टोकन नंबर देने वाले हैं उनको जो है टाइम नहीं मिल पा रहा है हमने 6 से 7 पर जो है टोकन देने के बैठा रखे हैं फिर भी उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है ठंड भी ठीक ठाक है हाँ ठंड पहले कल तक थी पर जो है लेकिन कल भी मौसम बहुत अच्छा रहा और इस वजह से हमारी प्रार्थना सुन ली कि बहुत जल्दी धूप निकले मौसम अच्छा है ठंड के साथ साथ चाय पकौड़े भी चल रहे हैं बढ़िया पकौड़े सबको हमने खिलवा दिए हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है सुचारू रूप से चल रहा है मुझे जैसा उम्मीद थी सभी भाई पूरा सहयोग दे रहे हैं और ये मेरी मेहनत नहीं है हमारे पूरे जो मेरे भाई बहन है
तन मन धन से पूरा सहयोग करते हैं। ये सब हम सबकी उनकी मेहनत का ही फल है जो आज हमें मिल रहा है। लगभग हमारे कितने बायोडाटा आज हम 600 बायोडाटा यहाँ लेकर आए हैं और कम से कम 300 बायोडाटा का हमें उम्मीद है कि 300 बायोडाटा जरूर आएंगे जो अभी यहाँ पर चल रहे हैं। राधेश्याम कौशिक जी क्या कहना चाहेंगे सुंदर कार्यक्रम के लिए? सर्वप्रथम पंडित मदन मोहन मालवीय जी की आज जयंती है, सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और उनको हम नमन करते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पंडित जी उनका भी आज जयंती है, उनको भी हम नमन करते हैं। और जैसा कि कार्यक्रम के बारे में राहुल जी आपने कहा है, देखिए क्या है कि आज के युग में हमें ये बहुत आवश्यकता है कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार चलते रहने चाहिए। ओम ब्राह्मण समाज के बैनर के नीचे हम सभी लोग मिलकर आठवां परिचय सम्मेलन कर रहे हैं। पूर्व की तरह ये कार्यक्रम भी हमारा भव्य होगा और अधिक से अधिक लोग हमारे ब्राह्मण बंधु युवक युवती इससे लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी आशा है। 600 बायोडाटा लगभग आ चुके हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है राहुल जी, पिछली बार से इस बार अधिक है और भी बढ़ेंगे क्योंकि हमारी ये रिक्वायरमेंट बहुत है, हमें बहुत अधिक आवश्यकता है इस बात की। अभी आपने देखा होगा कि युवक जो है युवतियां जो है हमारी बच्चे जो है हमारे उनको दो चीजों की आवश्यकता है। एक वैवाहिक का जो है प्रॉब्लम सबसे बड़ी है क्योंकि आजकल रिश्ते जो है वो बताने से नहीं हो रहे, उसमें एक दिक्कत आ रही है, बदलाव आया है समाज में। दूसरा जो है हमें नौकरी की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तो इन दोनों समस्याओं के लिए जो है हमें इसका, क्योंकि हम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं हम सभी लोग मिलकर, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम इस तरह के कार्यक्रम को चलाते रहे। कोशिश का वही देखने में आया है कि इस बार तलाकशुदा केस भी हमारे इस परिचय सम्मेलन में, ये हमारे समाज में क्या संपूर्ण समाज में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और क्योंकि सामाजिक जो प्रतिबद्धता थी, जो दबाव था, वो अब खत्म होता जा रहा है। नवयुवक जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है वो सामाजिक चीजों को कम मानती है, दबाव को नहीं मानती, शर्म नहीं करती, आपस में जो बड़े बूढ़े हैं हमारे उनकी हम बातें नहीं मानते, उसका ये परिणाम है। ये चीजें बंद होनी चाहिए और हमें मिल बैठ कर पंचायत के द्वारा इन चीजों का सोल्यूशन करना चाहिए। राहुल जी सबसे पहले तो आज दो तीन त्योहार है हमारे, पहले तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, फिर हमारे तुलसी पूजन है आज के दिन, उसकी भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ में इस प्रोग्राम के जो आयोजक हैं वाई के कौशिक जी, ब्रजेश कुमार जी, राधेश्याम कौशिक जी और हमारे कलेक्टर पंडित जी, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि जो हर साल ये आठवां परिचय सम्मेलन है वैवाहिक जो है हमारा, और उम्मीद करता हूँ कि ये निरंतर ऐसे चलता रहेगा और जो समाज में समय का अभाव है एक दूसरे ना मिलने का, ये एक सशक्त माध्यम है आपस में एक दूसरे का परिचय करने का, बच्चों के विवाह करने का। विजय जी क्या कहेंगे इस बारे में? मैं सर्वप्रथम तुलसी दिवस की आज सभी को शुभकामनाएं और साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय हमारे भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और उनको शत शत नमन। ये आठवां परिचय सम्मेलन है, इनके जो संयोजक पंडित वाई के शर्मा जी बहुत ही अपनी टीम के साथ मेहनत से अपना कार्य करते हैं, जैसे कि अभी बताया कि 600 बायोडाटा और प्लस यहाँ अभी आज भी बायोडाटा यहाँ आ रहे हैं, तो मैं वाई के शर्मा जी को और समस्त टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह के जो प्रोग्राम है वो हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छे सिद्ध होते हैं क्योंकि इसमें काफी जो है वैवाहिक परिचय सम्मेलन में जो है बहुत से लड़के लड़कियों की शादियां इसमें पक्की होती हैं, उसके बावजूद जो पत्रिकाएं निकलती हैं उसमें सभी के बायोडाटा होते हैं, उन बायोडाटा के माध्यम से हम घर बैठकर भी अपने हिसाब से अपने कभी कहाँ हमारा हो रहा है तो हम उस हिसाब से फोन करके भी उनसे वो बात करते हैं। मिला के कामयाब कार्यक्रम बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छा सफल प्रोग्राम रहता है हर बार, और अब की बार और भी ज्यादा अच्छा सफल रहेगा क्योंकि काफी भीड़ नजर आ रही है और पहले 600 बायोडाटा आ चुके हैं और 600 बायोडाटा के साथ साथ आज भी करंट में भी यहाँ बायोडाटा आ रहे हैं, तो मैं उन्हें दोबारा पंडित वाई जी शर्मा जी और समस्त टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ और ये प्रोग्राम हमारे समाज में होते रहने चाहिए। धन्यवाद।
हमारे बीच में थलेश कुमार जी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। थलेश जी क्या कहना चाहेंगे, आज तुलसी पूजन भी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है, मदन मोहन वाल्मीकि जी का, सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। और आज वो नए वर्ष की मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। और आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे वाई के शर्मा जी ने प्रोग्राम बनाया, सभी लोगों को सम्मिलित किया, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। अंचल साहब क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? देखिए कार्यक्रम तो तमाम लोग करते हैं, लेकिन ये जो वैवाहिक कार्यक्रम होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें एक तो एकता का परिचय हो जाता है, दूसरी बात है वर वधु का एक आसान तरीका हो जाता है कि सब लोग बैठते हैं अपनी वर कन्या के लिए, कोई वर के तलाश करा, कन्या तलाश करा, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। और आने वाले समय में निश्चित रूप से कहता हूँ हर समाज के लोग ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए जिसमें सामाजिक जागरूकता है, सामाजिक एकता है, और ऐसे कार्यक्रम से हमेशा समाज में अच्छा परिचय जाता है, भाईचारे का परिचय जाता है। दूसरी ओर मैं कहूँगा ज्ञानी सेल सिंह की जयंती है, जो हमारे भारत के सातवें राष्ट्रपति रहे, पंडित मनोहर लाल जी का जयंती है, तुलसी पूजन है, अटल बिहारी वाजपेयी, में सभी इन तमाम विभूतियों को, इन तमाम महान पुरुषों को मैं नमन करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि भाईचारे का एक पैगाम पूरे देश में कायम रहना चाहिए, और ऐसे कार्यक्रम निश्चित रूप से होने चाहिए, अधिक से अधिक हर समाज को करना चाहिए।